हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बकर्स रिले के बारे में कि बकर्स रिले होता क्या है और इसे लगाते क्या हैं और इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मेनली इसे यूज कहाँ करते हैं और किस चीज के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है। वीडियो को आप एंड तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि बकर्स रिले होता क्या है और इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बकर्स रिले होता क्या है। बकर्स रिले ये एक गैस एक्चुएटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोमेटिक सेंसिंग डिवाइस है जिसे हम लोग बकर्स रिले के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे लगाते कहाँ हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर है ये दो तरह का होता है, पहला जो है वो पावर ट्रांसफॉर्मर और दूसरा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर यानी कि कोई भी पावर ट्रांसफॉर्मर में दो टैंक होता है, पहला होता है मेन टैंक, दूसरा होता है कंजर्वेटर टैंक। यानी कि मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक दोनों टैंक जो है एक दूसरे से लिंकअप होता है, इसी के बीच में हम जो है बकर्स रिले को इंस्टॉल करते हैं। यानी कि जो कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक का जो कनेक्शन होता है उस पाइप के थ्रू, उस पाइप में हम बकर्स रिले को इंस्टॉल करते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन से रेटिंग के ट्रांसफार्मर में बकर्स रिले लगाया जाता है। जैसे कि अबाउट 500 MVA का जो भी ट्रांसफार्मर है उसमें बकर्स रिले लगाया जाता है, बिलो 500 के जो रेटिंग्स है ट्रांसफार्मर उसमें बकर्स रिले नहीं लगाया जाता है। कभी भी 500 से ऊपर जो MVA रेटिंग्स है उसमें बकर्स रिले लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट की कि जो बकर्स रिले है ये किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है ट्रांसफार्मर में। तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि जो बकर्स रिले है ये कभी भी इंटरनल प्रोटेक्शन देता है। अब कौन से ऐसे प्रोटेक्शंस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, अर्थ ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ऑयल लीकेज यानी कि ऑयल लेवल का प्रोटेक्शंस देता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है और वाइंडिंग के बहुत सारे टर्न्स होते हैं और वो जो वाइंडिंग है वो एक दूसरे से इंसुलेटेड, मतलब कि वाइंडिंग तो एक साथ में ही रहता है, एक साथ में ही उसका टर्न होता है, बट उसके जो कोर है उसके अंदर में इंसुलेशन होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ऑयल का जो लेवल, जो हीट लेवल है वो काफी ज्यादा हो जाता है, उस टाइम पे जो इंसुलेशन है उसका खराब हो जाता है। तो क्या होता है कि वाइंडिंग टू वाइंडिंग टच जब होता है तो वो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। तो उस टाइम में आपका जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपका ट्रांसफॉर्मर का वाइंडिंग पूरा ब्लास्ट हो जाएगा यानी कि खराब हो जाएगा। तो इस चीज से प्रोटेक्शन देता है। जब कभी कभी क्या होता है कि आपका जैसे कि ये वाइंडिंग टू वाइंडिंग टच हो गया तो उस टाइम में शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये बकर्स रिले क्या है ये सेंस करता है और ये ऑल टाइम मॉनिटर करते रहता है। ये क्या करेगा, सिग्नल देगा हमारे पैनल में और पैनल क्या करेगा ऑटोमेटिक जो है हमारा मेन सर्किट ब्रेकर है उसको ट्रिप कर देता है। दूसरा क्या होता है, अर्थ यानी ग्राउंड फॉल्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो बॉडी है टू कोर हो गया या वाइंडिंग हो गया उससे टच होता है हीट के कारण में, कभी कभी कुछ ऐसा होता है सिचुएशन, कभी कभार क्या होता है कि बहुत दिनों से मेंटेनेंस नहीं होता उस टाइम पे, ऐसा ये सिचुएशन आता है कि बॉडी से यानी कि अर्थ टच होता है उस टाइम पे भी शॉर्ट सर्किट होता है। तो इस चीज को भी मॉनिटर करता है और ये जो है बकर्स रिले ये पैनल को सिग्नल देता है, वहां से मेन सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, इस टाइम पे हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है वो सेफ कंडीशन में बच जाता है। अब एक बात और बताता हूं कि जो ये ऑयल लेवल है इस चीज को भी मॉनिटर करता है बकर्स रिले, क्योंकि जो बकर्स रिले है इसके अंदर में ऑयल फिल होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन से लोग जो है मेंटेनेंस नहीं करते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर में मेनली कभी भी इतना बड़ा फॉल्ट नहीं आता है, जब भी आता है तो बड़ा ही फॉल्ट आता है, छोटा फॉल्ट नहीं आता है, तो लोग इसकी वजह से इग्नोर करते हैं और इस चीज को बकर्स रिले मॉनिटर करते रहता है ऑल टाइम। जैसे ऑयल लेवल कभी कम हो गया तो इस टाइम पे भी ऑयल का हीट जो है वो ज्यादा हो जाता है, हीट जनरेट होता है और उसमें गैस प्रोड्यूस होता है, तो उस टाइम पे भी वाइंडिंग जलने का, कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है। तो इस चीज को मॉनिटर करता है, फिर ये सिग्नल देता है पैनल को और पैनल क्या करता है मेन सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देता है, फिर उस टाइम पे आकर के इसको प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना होता है। तो ये तीन चीज जो है मेनली जो है बकर्स रिले ऑल टाइम मॉनिटर करते रहता है और इसके अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्शन देता है।
बहुत और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि जो बेसिक चीज है वो मैं आपको बता दूं। तो अगर आपको और भी प्रोटेक्शन चाहिए ट्रांसफार्मर में, यानी कि अगर एक्सटर्नल या और कुछ ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए बहुत ऐसे और भी डिफरेंट टाइप्स के जो रिलेस हैं उसके ऊपर आपको कंसिडर करना होगा। लेकिन जो बकल्स रिले है इसका यही प्रोटेक्शन है, और इन्हीं इन्हीं प्रोटेक्शन के अगेंस्ट ये काम करता है जो कि मैंने आपको बताया बेसिकली और बहुत ही सिंपल वे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। या हिसाब से और एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट करें और आप जाके वहां देखें, आपको वहां भी बहुत ऐसी वीडियो मिलेगी जो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो फ्रेंड को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।